सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूँ। हमने लगातार इस सत्र में हिंदी के विभिन्न पाठों को पढ़ा। इसी कड़ी में आज वितान भाग 2 से अतीत में दबे पांव पाठ 3 जो दिया है, अतीत में दबे पांव, इनके रचनाकार ओम थानवी। अतीत में दबे पांव वास्तव में प्राचीन काल में किस प्रकार हमारे पूर्वज किस प्रकार रहे, उस रहन सहन और संस्कृति का परिचय पुरातत्व वेताओं के आधार पर बताया जाता है। पुरातत्व के आधार पर खुदाई के दौरान जो विभिन्न वस्तुएं मिलती है, उन वस्तुओं के आधार पर, भित्ति चित्र के आधार पर या खुदाई में मिली विभिन्न मिट्टी के बर्तन या अन्य सामग्रियां, इनको देखते हुए हम उस समय की संस्कृति को पहचान सकते हैं। वैसे ही अतीत में दबे पांव सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता बताई गई है, इसे मिस्र और इराक मेसोपोटामिया की संस्कृति से जोड़ा गया है, इनके अनुरूप ही इन वैज्ञानिक आधार पर इनके अनुरूप बताई है। उसी पाठ को, इसी को हम आज ओम थानवी का जो अतीत में दबे पांव शीर्षक, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ओम थानवी का परिचय हम साहित्य, कला, सिनेमा और पुरातत्व जैसे विषयों में प्रख्यात ओम थानवी का जन्म 1997 जोधपुर में राजस्थान में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा बीकानेर में हुई और बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने एमकॉम किया। इनका विषय साहित्य, पुरातत्व, कला, पर्यावरण के साथ साथ ये 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSC की फेलोशिप पर राजस्थान के फेलोशिप सदस्य, राजस्थान की पारंपरिक जीवन शैली विशेष करके जल स्रोतों पर खोजबीन इन्होंने की है। इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने लेखनी के साथ साथ संपादक कार्य भी किया है और आज भी वह जनसत्ता संपादक के रूप में यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ें। पाठ की रूपरेखा हम अगर हम देखें तो अतीत में दबे पांव ने लेखक ने सिंधु सभ्यता, ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता की ऐतिहासिकता का वर्णन किया है कि किस प्रकार की ये संस्कृति रही है। ये पाठ यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिलाजुला रूप कहलाता है। ओम थानवी ने अपनी यात्रा वृतांत, यात्रा के दौरान और साथ में एक रिपोर्ट सिंधु घाटी सभ्यता की पेश की है, शायद इसीलिए इसको यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिलाजुला रूप कहा है। यहाँ पर बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता समाज पोषित थी, यह कहा है राज पोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। वास्तव में समाज के उस पहलुओं का यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार सब लोग वहाँ पर मिलजुल कर और एक सभ्य तरीके से रहते थे।
आधुनिक काल में यहाँ पर हम वर्तमान में यदि देखें तो जिस प्रकार महानगर या हम कॉलोनी वगैरह नई बनती है, सुविधा के अनुसार बनती है, वहाँ पर सुविधाएं क्या है? वास्तव में जल निकास, सड़क, सही सड़क होना, क्योंकि आवागमन का साधन अगर सड़क नहीं है तो आवागमन बाधित होता है और ये विकास में बड़ा विकास में निश्चित रूप से अवरुद्ध होता है। इसीलिए एक व्यवस्थित अगर हम सभ्यता की बात करें तो निश्चित है वहाँ पर सड़क निर्माण, यातायात का साधन बोलेंगे, संचार साधन, आज के समय में संचार साधन बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन उस समय ऐसे समय में 5000 वर्ष पूर्व जब सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर दो महानगरों का, दो शहरों का वर्णन मिलता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये वर्तमान में दोनों पाकिस्तान में स्थित है। पहले अखंड भारत में यह थे और इसकी खोज भी की गई, काफ़ी समय हो गया उस बात को और ज़्यादा खोज होती, लेकिन सिंधु के नदी से जो क्षार या दलदली स्थिति बनने कारण उसे रोक दिया गया था। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पाठ में विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम इसे आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का केंद्र, पाठ में पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नाम भी इसका अर्थ है मुर्दों की घाटी। वास्तव में ये जब नष्ट हो गया था, ये सभ्यता जब नष्ट हुई उसके बाद इसे मोहनजोदड़ो नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो यानी मौत का टीला। तो यहां पर दो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा, यह ताम्रकाल के शहरों से अपनी बड़ी बड़ी खास विशेष करके गलियां, इमारतें, सड़कें इत्यादि की अनुभूति करवाता है। यहाँ बताया जाता है कि लगभग 85,000 जनसंख्या थी, 85,000। खुदाई में प्राप्त मोहरें, इमारतें, खिलौने, बर्तन आदि इसकी सभ्यता की जानकारी देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी सभ्यता की जानकारी वहाँ की विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से, यहाँ पर खुदाई में प्राप्त मोहरें, इमारतें खंडहर हालत में जो इमारतें हैं उस खंडहर को देखकर हम वहाँ के सुविधा किस प्रकार रही है, किस प्रकार की सभ्यता रही है, उसको हम सही ढंग से आकलन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से शायद अस्पष्ट नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग भी नेट से सर्च करके इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार एक कतारबद्ध खंडहर दिए हैं, उसके बीच में सड़कों का व्यवस्थित रूप है। तो ये दर्शाता है कि उस समय की संस्कृति कितनी सुगठित बोलेंगे सुनियोजित थी। दूसरा पॉइंट, नगर नियोजन व बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप बनाया गया है जो लगभग 25 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है। इसे जैसे पहले ही बताया कि इसका वैज्ञानिक आधार सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने के बाद मिस्र और मेसोपोटामिया, मिस्र और इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप इस सभ्यता को आंका गया है। उसकी तुलना वहाँ पर इस आधार पर की गई, क्योंकि माना जाता है कि विश्व की सबसे सभ्य संस्कृति मिस्र और मेसोपोटामिया और
वैज्ञानिक आधार पर तर्क दिए जाने पर ये विभिन्न वस्तुएं जब मिली उस आधार पर आंका गया है कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही सभ्यता यहाँ पर भी थी। यह नगर मैदान में नहीं बल्कि मानव निर्मित टीलों पर बनाने के लिए निश्चित है। जो पानी का भाव वो उसे समाप्त न करे इसी उद्देश्य से टीलों पर बनाया और वो टीले मानव निर्मित हैं। यह भवन आज भले ही खंडहर में दिखाई दे रहा है लेकिन इनके खंडहर को देखकर इसकी सुनियोजित ढंग से जो रचना की गई है उसको हम स्वतः ही समझ सकते हैं। आगे देखें हम संपन्न वर्ग की बस्तियां। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने का कार्य करती थी। समाज को विकसित करने का कार्य, यहाँ आगे भी कुछ पॉइंट आएगा उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये धर्म पोषित या राज पोषित न होकर समाज पोषित थी। वास्तव में समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज के विकास का कार्य करती थी, इसीलिए इसको सबसे बेहतर सभ्यता मानी जाती है। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्तियां बस्ती बताई गई है। यहां पर निम्न वर्ग की बस्तियां भी होगी लेकिन उच्च वर्ग की बस्तियां जैसे आज अमीर किस प्रकार आलिशान या पक्के अच्छे मजबूत महलों में मकानों में इमारतों में रहते हैं और गरीब झोपड़ियों में, तो शायद निम्न वर्ग के लोग भी वैसे ही जो झोपड़ियों में रहते होंगे जो मजबूत नहीं थी। और 5000 वर्ष पहले जो बनी हुई तो इतना समय में निश्चित है कि उनके निशान मिलना असंभव है लेकिन उच्च वर्ग की बस्तियां यहाँ पर वो इमारतें खंडहर के रूप में दिखाई देती है। यहाँ से उच्च वर्ग की बस्ती से टीले से 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है और दक्षिण की ओर पीछे घूमने पर खंडहर दिखाई देते हैं। ये खंडहर शायद वहाँ रहने वाले कामगारों के थे और फिर दूसरे खंडहर उच्च बस्तियों के, लेकिन निम्न बस्तियों के नहीं होने का कारण वही मजबूती न होना, झोपड़े और वो निश्चित रूप से नष्ट हो गए होगा क्योंकि 5000 साल तक टिक पाना संभव नहीं है। महाकुंड व सामुदायिक केंद्र, यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड बनाया गया है। पक्की ईंटों का, तो ईंटें उस समय बनना शुरू हो गई थी, उनको पकाना भी व्यवस्थित रूप से सीख लोग करते होंगे, इसीलिए यहाँ पक्की ईंट से बना कुंड बताया है और ईंटें पक्की ईंट से बना हुआ काफ़ी समय तक रह सकता है और ये खंडहर के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। सामुदायिक केंद्र जैसा एक भवन इसके दक्षिण में स्थित है। सामुदायिक भवन जैसा, बड़े भवन ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए वास्तव में इसकी भव्यता समाज पर है। समाज की भव्यता थी लेकिन जो आडंबर युक्त नहीं थी, आडंबर से दूर एक सादा जीवन, एक अच्छा जीवन, एक समाज में मिलजुल कर रहने का ये यहाँ के जो बस्तियाँ हैं या सामुदायिक केंद्र है इस आधार पर हम बता सकते हैं। सामुदायिक भवन ये शायद ऐसा प्रतीत होता है कि सामूहिक स्नान या किसी अनुष्ठान का अंग रहा होगा। बताया जाता है कि ये करीब 40 फुट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 7 मीटर उसकी गहराई थी। यहाँ पर वो खंडहर हम यहाँ पर अब देख सकते हैं। इस प्रकार ये बनाया हुआ खंडहर के रूप में आज भी मौजूद है और इसके उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर हैं।
स्नान घरों का एक पंक्ति में बनाए जाना, एक दूसरे के सामने इसके द्वार नहीं खुलते थे। इसका मतलब निश्चित रूप से उस समय बड़ी वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक सोच समझ से ही इसका निर्माण किया गया है। इसमें प्रयोग में आई हुई यहाँ हम खंडहर के रूप में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर पक्की ईंटें, चूने, चिरोड़ी के गारे, सफ़ेद डामर वास्तव में आज भी सिद्ध वस्तुकला का नमूना पेश करते हैं। आगे हम देखें खेती व व्यापार। सिंधु घाटी में व्यापार के साथ साथ खेती भी निरंतर होती थी। विद्वानों का के अनुसार मुख्यतः यहाँ के लोग खेतीहर और पशुपालक थे। मुख्य रूप से यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें भी होती थी, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, सरसों, चने की खेती, रागी, कपास की खेती के भी अंश पाए गए हैं। खजूर, खरबूजा और अंगूर की खेती भी यहाँ पर होती थी। इस प्रकार निश्चित रूप से एक खेतीहर के रूप में और साथ में पशुपालक के रूप में यहाँ पर लोग निवास करते थे। यहाँ सूत की कताई के साथ रंगाई भी होती थी। सूत कातना उस समय ये दर्शाते हैं, कुछ ऊन के और ये टुकड़े भी मिले, उस आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पर सूत कताई के साथ रंगीन कपड़ों का रंगाई के कार्य भी होता था। बताया जाता है कि लोहा यहाँ प्रारंभ में नहीं था, लेकिन तांबा प्रचुर मात्रा में था और इसीलिए पत्थर और तांबे की बहुतायत थी और अनेक अवशेष मिले हैं। विभिन्न पुराने जो टूटे फूटे बर्तन वगैरह मिले वो भी तांबे और पत्थरों के या मिट्टी के बनाए हुए मिले हैं। बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए होता था। किसी भी वस्तु को यदि छोटी चीज भी मिलती है उस आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे हम आगे उसमें देखेंगे एक सुई भी मिलना, सुई मिलने का भी जिक्र किया गया है। सुई मिलने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से सिलाई का कार्य भी होता था। इस प्रकार छोटी छोटी वस्तुओं का हम उस तत्व जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की दिनचर्या रहती होगी या कह सकते हैं किस प्रकार वहाँ का रहन सहन होगा। तो बैलगाड़ियों का प्रयोग जैसे, तो बैलगाड़ी का प्रयोग करने के लिए निश्चित है वहाँ सड़कें, चौड़ी सड़कें, आवागमन आने जाने के लिए यानी कम से कम दो बैलगाड़ियाँ आपस में आगे पीछे निकल सके, इस प्रकार के रस्तों का निर्माण किया गया था। तो इस बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए, इसका मतलब निश्चित रूप से वहाँ व्यापार भी उन्नत था। जल व्यवस्था, ये बहुत बड़ी बात है। जल व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था आज हम महानगरों में देखते हैं कि किस प्रकार जल निकासी के मार्ग का जाल बना हुआ है। लेकिन कल्पना करें हम कि 5000 वर्ष पहले ये किस प्रकार थे। तो यहाँ पर हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर ये जल निकास का प्रबंध था और प्रबंध के कारण किसी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता है। यदि पानी निकासी का अगर नहीं है तो वहाँ कीचड़, गंदगी फैलेगी और निश्चित रूप से वहाँ गंदगी फैलने पर महामारी या बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पर जल निकासी का उचित प्रबंध था। यहाँ पर घरों के भीतर से पानी या मेल की नालियाँ बाहर दूसरे एक हौद में जाती थी। हौद का निर्माण भी किया गया है। उस नाली हौद से भी फिर नालियों की संरचना बनी हुई है जो उस पानी और गंदगी को दूर ले जाती है। तो इस प्रकार वहाँ सुव्यवस्थित जल व्यवस्था थी। आगे हम देखें अजायब घर, म्यूजियम
यहाँ पर अजायब घर में बहुत सारी वस्तुएं, लेकिन विशेष करके उस समय लाहौर, कराची, दिल्ली और लंदन में विशेष या अहम चीज़ें बोलते हैं वो वहाँ पर ले जाई गई। कुछ यहाँ पर है, यहाँ का अजायब घर छोटा एक कस्बाई स्कूल जैसा है, वहाँ पर कुछ वस्तुएं मिलती है, वहाँ के जो पुराने निवासियों द्वारा या पुरातात्विक वेताओं द्वारा ये बातें बताई गई है। यहाँ पर काला पड़ा हुआ गेहूँ, तांबे कांसे के बर्तन, मुहरें, मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन जो चौक पर कुम्हार के द्वारा चौक पर बनाए हुए विभिन्न वस्तुएं यहाँ मिलती है, जिसके आधार पर वहाँ की विशेष सभ्यता का पता हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे और भी नेट से आप लोग यदि देखें तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे चित्र जो अवशेष के रूप में है वो ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ इनके अलावा सोने के गहने भी पाए गए थे ऐसा बताया गया, लेकिन वो समय के अनुसार चोरी हो गए ऐसा बताया गया। लेकिन गहने पाए गए तो हम वहाँ की संस्कृति को इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि वहाँ श्रृंगार का प्रसाधन का साधन मौजूद थे। और अन्य चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात बताई है कि हथियार नहीं है। जैसा पहले भी बताया कि राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था ये। राज पोषित होना मतलब राजा का दबदबा होना, जहाँ निरंतर युद्ध वगैरह होना, ऐसी स्थितियाँ शायद नहीं थी, क्योंकि हथियार नहीं मिलना ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि वहाँ निश्चित रूप से मैं समाज में मिलजुल कर शांति से रहते होंगे। यहाँ एक नरेश की मूर्ति ज़रूर मिली है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ राज व्यवस्था थी, लेकिन पूरी तरह राज व्यवस्था पर ये समाज पर अंकुश नहीं डाला गया था, बल्कि समाज मिलजुल कर रहता था। इसीलिए यहाँ पर पुरातात्विक वेता के द्वारा कहा गया है कि राजपोषित धर्म पोषित न होकर ये समाज पोषित थी। यहाँ पर इसके अलावा सुइयाँ भी मिली है, जैसे मैं बताया कि सुइयाँ मिलना एक कपड़ों को सिलने की बात है, तो निश्चित रूप से सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे से बने वो सुए, यहाँ सुए मिलना तो टाट या दरी का निर्माण करने वाली वस्तुएं हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये जो अवशेष मिले हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता कितनी उन्नत थी। यहाँ पर नर्तकी और दुशाला ओढ़े बोले नरेश की मूर्ति भी है। नरेश की मूर्ति मिलना थोड़ा सा शासन की ओर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पुरातात्विक वेत्ता के अनुसार ये वाक्य बिल्कुल सटीक है कि राजपोषित धर्म पोषित न होकर वो समाज पोषित था। अंत में देखें कि सिंधु घाटी के रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो अब वहाँ पर खुदाई बंद हो गई है। उसका कारण सिंधु घाटी या सिंधु नदी से जो क्षार या दलदलीय क्षेत्र बन गया है उसमें आगे खुदाई करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी हम इन वस्तुओं के आधार पर जो विभिन्न अवशेष मिले हैं, इन वस्तुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में कितनी सुनियोजित और सुघड़ थी। धन्यवाद।